गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा दल शिक्षण के उपयोग हेतु सुझाव, यानी कि हमें दल शिक्षण को उपयोग में लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि हमें इन आधारों पर इसे उपयोग में लेना चाहिए। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, वो मैं आज यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि दल शिक्षण को हमें क्यों प्रयोग में लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये इसके सुझाव हैं जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है इसका, अध्यापकों की अभिवृद्धि दल शिक्षण के अनुरूप हो, उन्हें इसमें सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक चाहे कि हम दल शिक्षण में पढ़ा सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर उन्हें जो ये जिनकी इच्छा होती है कि हमें दल शिक्षण में पढ़ाएं, समूह शिक्षण में पढ़ाएं, उन्हें ही हमें दल शिक्षण में सम्मिलित करना चाहिए। अगर इसे हम एक तरीके से देखें, यानी कि हमें शिक्षक पर जबरदस्ती से ये इतनी इच्छा थोपनी नहीं चाहिए, उनकी स्वयं की इच्छा के आधार पर उन्हें इस शिक्षण में सम्मिलित करना चाहिए। सेकेंड है इसमें, उत्तरदायित्व तथा व्यवस्था के प्रति संवेदनशील, यानी कि जो उनके कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य वो समझे कि हमें टीम टीचिंग का क्या उद्देश्य है, हमें किस तरीके से करना है, यानी कि उनका जो कार्य है उसे वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और समझने के बाद उसको निर्वाह करने की वो कोशिश करें, उन्हीं शिक्षकों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि जब हमें दल शिक्षण को प्रभावी बनाना है, तो प्रभावी बनाने के लिए हमें जो उनका कार्यभार होता है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो उन व्यवस्था के प्रति हमें बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देता है कि हमें किस तरीके से इस कार्य को करना है। तो इसके लिए दल शिक्षण के लिए कहा जाता है कि दल शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक किस तरीके से प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं, वही शिक्षक कर सकते हैं जो इसके लिए अपने उत्तरदायित्व को समझे, यानी कि जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, या हम कहें कि वो दल शिक्षण में अपनी भूमिका निभाना चाहे, हमें उन्हें इसमें सम्मिलित करना चाहिए। फिर है इसमें, सेवारत अध्यापकों को सिखाना चाहिए, यानी कि दल शिक्षण में अध्यापक जो अपना अध्यापन कार्य अन्य अध्यापकों की उपस्थिति में करता है, अतः वे अपने विषय की गहराई से अध्ययन करते हुए हमें उन्हें अधिक परिश्रम देते हैं। लेकिन इसके लिए ये कहा जाता है कि जो हमारे सेवारत जो अध्यापक होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उन्हें हमें इसमें सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें इस दल शिक्षण के बारे में उन्हें सिखाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा हमारे दल शिक्षण की जो प्रविधि का उपयोग है, छात्र अध्यापक सेवारत अध्यापकों को हमें इन्हें सिखाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को अपने प्रकरणों के विषय में जो उनका टॉपिक होता है, उस शिक्षण में दल शिक्षण का उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे छात्र अध्यापक उनका विद्यालय में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जो सेवारत है, जो उसमें कार्य कर रहे हैं, यानी कि सेवारत अध्यापकों को जो हमारे शिक्षक उसमें सेवा दे रहे हैं, जिस संस्था में वो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, सेवारत है, कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस चीजों का प्रशिक्षण देना चाहिए दल शिक्षण का, कि दल शिक्षण किस तरीके से करवाई जाती है, जिससे क्या होता है कि छात्र भी, क्योंकि छात्र के लिए कहा जाता है ना कि छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं, तो जब शिक्षक इसमें जो सेवारत शिक्षक होते हैं, वो जब इस दल शिक्षण को अपनाते हैं या उस तरीके से वो कार्य करते हैं, तो जो छात्र हैं वो उनसे सीखकर उनका प्रयोग अपने जीवन में या कहें कि वो आगे करते हैं। अगर हमें दल शिक्षण को आगे बढ़ाना है, तो जो हमारे सेवारत शिक्षक होते हैं उन्हें टीम टीचिंग करना आना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे छात्र भी इसका प्रयोग कर सके। इसीलिए कहते हैं
कि सेवारत अध्यापकों को हमें टीम टीचिंग करवाना सिखाना चाहिए। फिर है स्वेच्छा से चयन करने का अवसर, यानी कि अपनी इच्छा पर जो हमारे अध्यापक होते हैं दल शिक्षण से जो संबंधित हमारी विषय वस्तु का चयन करते हैं, वो चयन करने की प्रक्रिया उनकी अपनी इच्छा पर होनी चाहिए, यानी कि वो टॉपिक अपने स्वेच्छा से चयन करें, उन्हें इस स्वेच्छा से चयन करने का उन्हें अवसर देना चाहिए, जिससे कि जब हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम अपनी विषय वस्तु का चयन करते हैं तो उसके आधार पर क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अगर हम हमारे मन से किया हुआ कार्य हमेशा प्रभावी होता है। अगर हम किसी कार्य को अपनी इच्छा के विपरीत मानकर, अगर हम ये कहें कि उसे एक भार मानकर हम उस कार्य को करेंगे, तो कभी भी हमारे उस कार्य में निखार नहीं आएगा। कार्य में अगर हम देखें तो कार्य में निखार तभी आता है जब हम अपनी स्वेच्छा से, यानी कि शिक्षक स्व अपनी इच्छा से जो कार्य करेंगे उस कार्य को एक महत्वता मिलेगी, या हम कहें कि उस कार्य में हमें जब वो अपनी लगन और परिश्रम से और अपनी इच्छा से इन तीनों का अगर हमारा समावेश हो जाता है, तो उस प्रक्रिया में चाहे वो शिक्षण प्रक्रिया हो या हमारा अदर कार्य हो, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। अगर हमें कार्य को प्रभावी बनाना है तो हमें मन से करना चाहिए, और मन से हम तभी कर सकते हैं जब हमारी उसके प्रति स्वेच्छा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि हमें जो कार्य हम मन से करते हैं, हम अपनी आत्मा से करते हैं, हमने देखा है कि वो कार्य हमारा कितना महत्वपूर्ण या हमारा कार्य कितना अच्छा होता है। हम देखते हैं कई बार अगर बच्चों के ऊपर अगर हम उदाहरण देखें कि हम खुद हमारी विषय देखते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गणित बहुत अच्छी लगती है, कई देखें कि गणित से दूर भाग रहे हैं, तो वो दूर भागने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है उनकी। लेकिन वही अगर हम दूसरा स्टूडेंट गणित में इंटेलिजेंट अपने स्वेच्छा से कार्य कर रहा है तो वो और आगे बढ़ता जाएगा। अगर हमारे कार्य में विकास करना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो हमें जो भी हम शिक्षक के लिए कहते हैं कि शिक्षक अगर अपनी विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा के आधार पर अपनी विषय वस्तु का चयन करें, और इससे हमारे कार्य में जो प्रगति होगी, हमारे कार्य में इससे विकास होगा और कार्य और अधिक हमारा प्रभावी बनेगा। ये हमारे, क्योंकि ये सुझाव इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि कई बार जब हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के लिए हमें पता नहीं रहता कि हमें इस कार्य को किस तरीके से करना है, इसीलिए हमें कुछ शिक्षाविद, कुछ विद्वान हमें इस कार्य को करने के लिए सुझाव देते हैं। हम मानते हैं कि हम हमारे परिवार में रहते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं, या हम कहें कि बड़े, जो हमसे बड़े होते हैं वो इस चीज को मानते हैं, राइट होता है उनका कि वो हमें जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें वो अपने सुझाव दें। इसी तरीके से इसमें जो दल शिक्षण के लिए जो उपयोगी सुझाव थे उनका मैंने आज आपको वर्णन किया है कि हमें किन किन बातों का थोड़ा ध्यान में रखना है, इसके लिए हमें क्या सुझाव दिए। प्रथम था ही कि अध्यापकों की अभिवृत्ति दल शिक्षण के अनुरूप होनी चाहिए, उन्हीं शिक्षकों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए जिनकी इसकी अभिवृत्ति हो, अपनी आदत में हो कि दल शिक्षण को हमें किस तरीके से करना है, जिन्हें आता हो, योग्य हो, उन्हें हमें इसके अंदर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जब वो योग्य होंगे, उन्हें आता होगा, तभी वो और शिक्षक और छात्र को सिखा पाएंगे, इसलिए हमें उन्हें इसमें सम्मिलित करना चाहिए। फिर था सेकंड हमारा उत्तरदायित्व तथा हमारी व्यवस्था के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। ये तो हम मानते हैं कि हमें हमारे जो कर्तव्य हैं उनके प्रति हमें निष्ठावान रहना चाहिए। अगर हम हमारे कार्य के प्रति निष्ठावान हैं तो श्योरली हम उस कार्य को बहुत ईमानदारी से कर पाएंगे। तीसरा रास्ता सेवारत अध्यापकों को सिखाना चाहिए, यानी कि जो टीचर कार्य कर रहे हैं उन्हें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें इस कार्य को नहीं आया तो चल सकता है, लेकिन जो सेवारत है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, स्टूडेंट है, उन्हें हम जो शिक्षक वहाँ कार्य कर रहे हैं जब तक उन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज्ञान कैसे दे पाएंगे। इसीलिए जो हमारे सेवारत अध्यापक होते हैं उन्हें ये दल शिक्षण की प्रक्रिया या कहें कि हमें टीम टीचिंग का कार्य उन्हें आना चाहिए। स्वेच्छा से
उसका चयन, किसका विषय का चयन करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपना कार्य अपनी इच्छा से करता है तो वो बहुत प्रभावी होता है। इसके लिए हमारे जो शिक्षण के लिए जो सुझाव है, उसके लिए हमारे जो शिक्षाविद थे डेविड वॉरविक, उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि दल शिक्षण का प्रयोग परिपक्व तथा संतुलित शिक्षकों द्वारा ही प्रभावीशाली ढंग से किया जा सकता है। जो मैंने अभी ऊपर बताया कि जो इसके योग्य होते हैं वही इस कार्य को, कार्य के शिक्षण का प्रयोग परिपक्व तथा संतुलित, जो इसके लिए काबिल होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो ही इस कार्य को कर सकते हैं। जो संतुलन बिठाना जानते हैं, सामंजस्य बिठाना जानते हैं, बच्चों मैंने लास्ट आपको बताया भी था, ये एक लिमिटेशन में इस चीज को बताई थी मैंने। क्या बताया था मैंने लिमिटेशन में? बताया था कि अगर हमारे शिक्षकों को जब आपस में सामाजिक और सामंजस्य बिठाना नहीं होगा तो वहां हमारी एक अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अपने अपने विचार भी होते हैं, लेकिन हमें वहां पर परिपक्वता यानी कि हमारी समझदारी, हमारा समझदारी से और हमें सामंजस्य बिठाना यानी कि संतुलन बिठाना अगर हमें नहीं आता है तो हमारे लिए वहां टकराव की स्थिति होगी। हम उस स्थिति को तभी संभाल पाएंगे जब हमारे अंदर, स्वयं के अंदर हमें संतुलन बिठाना आता है। तो इसके लिए कहा है कि दल शिक्षण का जो प्रयोग है वो कब? एक परिपक्व और संतुलित शिक्षकों के द्वारा ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। जो इस चीज को समझते हैं और उसमें सामंजस्य बिठाते हैं वही इस कार्य को बहुत बेखूबी से और अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। दल के सभी अध्यापक अपने उत्तरदायित्व तथा व्यवस्था के प्रति संवेदनशील होने चाहिए। उन्हें ये ध्यान में रखना है कि आखिर उनके कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों के प्रति उन्हें एक तरह से कहें कि एक कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे कर्तव्य को पूरा करते हैं। तो ये हमारे इसके सुझाव थे, हमारे दल शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग, या हम इसे कह सकते हैं सहकारिता शिक्षण। इसीलिए हम जो इसका नाम दिया गया है सहकारिता, वो इसीलिए दिया गया है कि हम इसे सहयोग के आधार पर एक साथ मिलकर इस टीम टीचिंग को आगे ले जा सकें। इसके अंदर ये कही गई थी जो हमारी सामूहिकता की भावना का जो विकास होता है वो हमारे टीम टीचिंग के आधार पर होता है। तो जब शिक्षकों में भी अगर टीम टीचिंग करने का अपने अंदर एक ये कहते हैं कि हम इस चीज के प्रति अगर शिक्षक खुद जागृत होंगे तो वो बच्चों को एक अच्छी टीम टीचिंग वो करवा सकते हैं, और इससे जो बच्चों में ज्ञान जहाँ कहते हैं ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो एक शिक्षक के साथ साथ अन्य शिक्षकों का भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। क्योंकि तो टीम टीचिंग में यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर हमें इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। अब इसके लिए कहते हैं कि जो हमारी टीम टीचिंग है इसके लिए हमने कई विधियां अपनाई है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि, जिसमें हम लेक्चर देते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से इसमें एक साथ आपके हमारे दो या दो से अधिक जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, व्याख्यातागण होते हैं, वो हमें इसके बारे में हमें अवगत करवाते हैं अपने विषय वस्तु के में प्रश्न करके। हम जो शिक्षक आते हैं उनसे छात्र प्रश्न कर सकते हैं, और शिक्षक भी छात्र से प्रश्न पूछ कर सकते हैं, या हम कहें कि हमारी जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान हम पूछ कर इस टीम टीचिंग को एक आगे ले जा सकते हैं। तो टीम टीचिंग हमारे शिक्षण की एक प्रभावी विधि है। धन्यवाद।